नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्या माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड काफ़ी पड़ रहा है। हालांकि सर्दी जुखाम खांसी तो हर महीने में होता है, लेकिन जिसको श्वास फूलता हो, खांसी हो और चलने में हाँफ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम इस समय सर्दियों में बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके लिए मैं अपने होम्योपैथ के कुछ मिक्सचर बता रहा हूँ, जिसको यूज करने से आपके श्वास खांसी और सर्दी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत जल्दी आराम होगा। दोस्तों, आप अपने आसपास हॉस्पिटल में या घर के अंदर देखते होंगे कि बहुत से ऐसे बच्चों का मतलब जो बच्चे 12 साल के नीचे हैं उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन जो बच्चे 12 साल से ऊपर, बड़े बुजुर्ग उनके लिए है। दोस्तों, जिनका उम्र 12 साल से ऊपर है, अगर उनको सर्दी हो गया और सांस फूलने लगा, सांस इतनी तेज फूले जैसे लगता है कि घर घर बच्चों को निमोनिया होता है, उस ढंग से इसमें आवाज़ हो रही है, तो होम्योपैथ के कुछ मेडिसिन का नाम हम बता रहे हैं, जिसको यूज करने से आपको तुरंत आराम हो जाएगा, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम जैसे हॉस्पिटल में जाए या उस ढंग से कुछ काम करें। अगर आपको तत्काल में ऐसे प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथ की मेडिसिन अपने पास ला करके रख लीजिए और इस मेडिसिन को आप यूज करिए, देखिए कितना जल्दी रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अगर किसी को भी सांस फूल रहा है और लगा के एकदम जैसे दमा जैसा इनका प्रॉब्लम है, श्वास बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, नटई के अंदर उनके घर 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 की आवाज़ हो रही है, एक पग भी नहीं चल रहे हैं, मुँह खोल करके सांस ले रहे हैं, और उनके चेस्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा लगेगा कि एकदम पंप जैसा चल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले आप करिएगा कि होम्योपैथ की पहली मेडिसिन जो गुरु से बनती है, दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया। टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया मेडिसिन गुरुज से बनती है। गुरुज पेड़ पर चढ़ता है, नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ गुरुज बेस्ट माना जाता है। उसी से गुरुज से बनी हुई टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया मेडिसिन क्यू पावर मार्केट में मिलती है, उस मेडिसिन को लाएं और 20-20 बूंद जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, अगर बहुत अधिक सांस फूल रहा है उनको, तो सबसे पहले 20-20 बूंद तीन बार आप हल्का गुनगुना पानी में डाल दीजिए, उसके बाद टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया मेडिसिन को दीजिए। इस मेडिसिन को देने के 15 से 20 मिनट के बाद आप करिए क्या कि मार्केट से ही पहले मेडिसिन ला करके रख लीजिए। पहली मेडिसिन का नाम है ब्लाटा ओरिएंटल क्यू पावर, एक कौन से ले लीजिए। दूसरी मेडिसिन सेनेगा क्यू पावर। तीसरी मेडिसिन है ग्रिंडिलिया रोबेस्टा क्यू पावर। इन तीनों मेडिसिनों को आप एक एक काउंट्स ले लीजिए और तीनों मेडिसिनों को एक ही में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया ले लीजिए। लेने के 15 से 20 मिनट के बाद इस मेडिसिन की 10 बूंद दवा 4 चम्मच गुनगुना पानी में डालिए और 3-3 घंटे पर पेशेंट को दीजिए। आप पहली खुराक देंगे पेशेंट को, मान के चलिए 99% आराम हो जाएगा, दोबारा देंगे तो 100% आराम हो जाएगा। 7 दिन तक आप यूज करा देंगे इस मेडिसिन को तो पेशेंट का श्वास नहीं फूलेगा, सर्दी भी आराम हो जाएगा। अगर उसके चलते बॉडी के अंदर फीवर है, दर्द है, सिर भारी है, आलसपन है, सुस्ती है, ये सब इसी तीनों मेडिसिन को यूज करने से पूरा आराम हो जाएगा। जब इस मेडिसिन को यूज कर लें 7 दिन पूरे आपको रिलैक्स हो जाए, तो उसके बाद आप टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया जो गुरु से बनी हुई दवा है, उस दवा को रेगुलर कम से कम 25 से 30 दिन तक यूज कर लीजिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हम यूज कराए हैं और उसके बाद रिजल्ट देखे हैं कि 3-4 महीने तक यूज करने के बाद पूरे कंप्लीट स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया यूज करिए, 15 मिनट के बाद ये तीनों मेडिसिन मिक्स करके 7 दिन तक यूज करिए। जब आप पूरे स्वस्थ हो जाइए तो टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया को रेगुलर 2.5 से 3 महीने तक यूज कर लीजिए। श्वास दमा खांसी में एकदम जबरदस्त रिजल्ट है और आपको आराम हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि मेडिसिन यूज करने के दौरान पेशेंट बोलेगा कि हमको मिचली जैसा लग रहा है। अगर कभी कभी पेशेंट बताएगा कि हमारे सीने में भी दर्द है, खरखराहट बहुत अधिक है, कफ निकल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मिचली जैसा लग रहा है तो आप ईपी काक 30 5 बूंद जीभ पर डाल दीजिए, मिचली खत्म हो जाएगी। और खरखराहट बहुत अधिक है गले के अंदर, लगे कि बच्चों को जैसे निमोनिया उस कंडीशन में हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में
एंटीमटार 200 दिन में एक बार दे दीजिए। इन दोनों मेडिसिन को साथ में आप लगा दीजिए। अब देखिए रिजल्ट पूरा एकदम कंप्लीट आराम हो जाएगा पेशेंट को, आपको बाकी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी।